आपका दोस्त विभूति भूषण आचार्य। वेलकम टू माय चैनल हाई फ्लाइंग पिजन। सभी भाइयों को मेरे तरफ से नमस्कार। भाई आज का जो टॉपिक है, पिछले पार्ट में मैंने आपको ऐसा डिस्कशन किया था कि अगर हमारा पिजन हो, जो भी हो, छोटा पिजन जो मादी मादिन पिजन है जो छोटे छोटे अंडे देते हैं, वरना आपके साथ पूरा शेयर किया था वीडियो, डिस्कशन किया था। जिन भाई ने अभी तक नहीं देखा है तो पिछले का वीडियो में आप पार्ट वन में आप देख सकते हैं। तो पिछले का जो टॉपिक था, हमारा जो कबूतर है क्यों छोटे अंडे देते हैं, क्यों, मतलब फर्स्ट पॉइंट है छोटे अंडे देते हैं और एक एक कबूतर चॉकलेट जैसा अंडे देते हैं, और कुछ कबूतर में अंडे देते हैं पर बाद में बच्चे नहीं निकलते, कुछ दो अंडे में एक कबूतर में बच्चा होता है और नेक्स्ट अंडे में सिर्फ पानी होता है पर बच्चे नहीं होता है। तो और एक पॉइंट है, तो हमारा जो मादी पिजन है वो एक टाइम अंडा देते हैं, फिर 6 महीना एक साल में एक टाइम अंडा देते हैं और बीच बीच में अंडे नहीं देते हैं। इन सब का कारण क्या है, मैंने पिछले पार्ट में आपके साथ ब्रीफली डिस्कशन किया था कौन सा कारण है। हम लोग को ये सब जो ट्रीटमेंट है, जो ये हमारा कबूतर है, इनके ऊपर क्यों ये मादी ने अंडा नहीं दे रहे हैं, उनका ये सब क्यों प्रॉब्लम होता है, छोटे अंडे देते हैं, अंडे में बच्चे क्यों नहीं निकलते हैं, छोटे अंडा देता है और बहुत ही टाइम में मादी अंडा भी बंद कर देते हैं, तो ये सब कारण क्या है, मैं आपके साथ डिस्कशन भी किया था। तो आप लोगों के साथ मैंने बताया था कि पार्ट टू में कौन सा मेडिसिन देने से हमारा ये जो सब जो बीमारियां हैं तो उनको हमको सॉर्ट आउट करना है, कौन सा एक ही दवाई में ये सब काम करेगा। फिलहाल तो हम बहुत लोग कैल्शियम देते हैं, पर मैं बता रहा हूँ, मेरे घर के पास एक भाई है, वो क्या किए ना, उनको ऑस्टोवेट कैल्शियम देते हैं, तो उनका कबूतर वीकली, उनके पास बच्चे भी रहते हैं फिर भी वो अंडा देते हैं हर टाइम, वो वीकली 3-4 बार कैल्शियम देते थे ऑस्टोवेट, उसके साथ भीमराल भी वो मिक्स करके देते हैं, उनको भी बेहतरीन से बेहतरीन अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। जिन भाइयों ने अभी तक ऑस्टोवेट कैल्शियम नहीं यूज़ किया फिर भी ट्राई करके देखिए, अगर आप लोग दूसरे कुछ नुस्खा भी ट्राई किए तो बेहतरीन अच्छा है। तो जिस भाई ने अभी तक नया है, उनको कुछ मालूम नहीं है, अगर कुछ परेशानी है, मादी अंडे बंद है, बंद मादी है, अंडे नहीं दे रहा है बहुत दिन से, पर बहुत लोगों के जो लॉट में आप जाएंगे उनके घर में बहुत सारे बच्चे हैं पर आपका छत में बच्चे नहीं होते हैं, अंडे नहीं देते हैं, छोटे अंडे देते हैं, अंडे में बच्चे नहीं निकलते हैं, ठीक है, ये सब जो परेशानी आपके लॉट में है ये कैसे सॉर्ट आउट होगा। तो आज मैं फ्री था आप लोग के साथ, ये डिस्कशन, ये नुस्खा आपके साथ जरूर शेयर करवाऊंगा। ये नुस्खा भी बहुत ईजी है, आपको पोल्ट्री फार्म में जहाँ पर बेट शॉप के दुकान है वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगा, आप यूज़ करो, देखो आपको भाई 100% रिजल्ट मिलता है कि नहीं, और उसके साथ क्या क्या मिक्स है उसके बारे में पहले बताता हूँ। उसमें आपका जो पिजन बीट मारते हैं और विटामिन की कमी रहता है, कैल्शियम की कमी रहता है, छोकरा में जाते हैं, तो वही आपको वही दवा में एक साथ सब मिल जाएगा, आपका कबूतर ठीक टाइम में अंडा देंगे, बेहतरीन से बेहतरीन अच्छा रिजल्ट मिलता है। बहुत ही बड़ा उस्ताद है, बहुत छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, ये सब ऑलरेडी यूज़ किए हैं, पर मैंने भी खुद ट्राई किया था, बहुत भाई ने पहले मेरे को बता दिया कि भाई ये नुस्खा आप मेरे साथ शेयर करो, तो आज मैं फिर था आप लोग के साथ ये नुस्खा शेयर जरूर करवाऊंगा। पहले डिस्कशन करते हैं कि ये सब जो प्रॉब्लम हुआ था, मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि भाई ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, आपको कैसे ये सब सॉर्ट आउट करना है, कौन सा देने से आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बहुत लोगों को नुकसान, बहुत परेशानी होते हैं कि भाई हमारा कबूतर नया लाए हैं, अंडे नहीं दे रहे हैं, छोटे अंडे दे रहे हैं, क्या भाई करें, बहुत कॉल भी आते हैं। तो आप लोग के साथ ये आज जो नुस्खा है आपके साथ जरूर शेयर करवाऊंगा, ध्यान से सुनना भाई, कौन सा मेडिसिन है पिजन, एक फॉर्मूला, आप जहाँ पर भी जाओगे मेरे भेड़ शॉप में उनको मांगना कि भाई हमको एक फॉर्मूला के पैकेट आता है पाउच, उसका फोटो भी मैं मेंशन कर लूँगा, देख लो भाई, उसमें ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन वो मिक्स होके रहता है। क्योंकि एक बात बताना भूल गया कि भाई आप लोग पहले जब इतना बीमारी नहीं रहता, आपको टेट्रासाइक्लिन आता था, हॉस्टासाइक्लिन 500 आ रहा था, अभी बहुत मार्केट में टेट्रासाइक्लिन का पाउच भी आता है येलो कलर का, बहुत लोग ने ऑलरेडी यूज़ किया हो, क्योंकि वो लोग क्यों देते हैं, वो अगर कबूतर को लूज मोशन हुआ वो एक एंटीबायोटिक तरह ही काम करता है, बेहतरीन अच्छा एंटीबायोटिक है। फिलहाल वो जो टेट्रासाइक्लिन का पाउडर है इतना रिजल्ट नहीं देता है, तो इसके साथ जो पिजन का एक फॉर्मूला आपको लेना है, फोटो भी मैं शो आउट किया हूँ, देख
उसके साथ ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन मिक्स हुआ है। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इज द बेस्ट एंटीबायोटिक एंड वो विटामिन उसके साथ कैल्शियम विटामिन मल्टी विटामिन ओ की एक ही पाउच में पाउडर की फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। आपको बेहतरीन से बेहतरीन अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कबूतर जो छोटे अंडे देते हैं अंडे बंद किए हैं और एक अंडे में बच्चा निकलते हैं एक अंडे में बच्चा नहीं होते। ये सब बहुत ही आपको मादी के ऊपर देना है। आराम से दूसरे नर को भी दे सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसा है मादी को हम देंगे नर को भी दे सकते हैं। ये विटामिन भी है कैल्शियम भी है उसके अंदर सब है। मादी नर को भी दे सकते हैं इजीली, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नुकसान नहीं है, बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट भी मिलेगा। अगर आपका कोई उस्ताद होगा घर के पास, बहुत सारे कबूतर रखे हैं, उनको भी भाई पूछो कि कैसे रिजल्ट दे रहा है। फिलहाल भाई उसका नाम है पिजन एक फॉर्मूला, TM एक फॉर्मूला, फोटो भी शेयर किया हूँ। जिन भाइयों को देना है डोजेस क्या है, पहले वीडियो को अगर आप पूरा फास्ट से लास्ट देखोगे तो आपको मेडिसिन मत दो भाई, नुस्खे के ऊपर जाओ कौन सा मेडिसिन है, उसका डोजेस क्या है, क्यों देना है, इसका कारण क्या है, क्यों होता है, डोजेस हमको ऐसे देना है तो ज़्यादा नहीं देना है, सब आपको तो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको आएगा। दूसरा कोई भी आपके साथ वीडियो हो, वीडियो में मेडिसिन शो आउट करता है और नुस्खा शो आउट करता है कि भाई ये डिजीज़ के लिए ये बीमारी है, बीमारी क्यों आता है, आप लोग को तो फंडामेंटल आइडिया ही मिलेगा। अगर आप देना नहीं चाहते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको तो भाई थोड़ा बहुत नॉलेज मिलेगा कि हाँ इसके वजह से हमारा ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको भाई कौन सा मेडिसिन देना है, पिजन एक फॉर्मूला पाउडर भेट शॉप में आपको आराम से मिल जाएगा। जिन भाइयों को कुछ परेशानी होता है तो मेरा नंबर में कॉल कर सकते हैं, वरना मेरा व्हाट्सअप नंबर में आप मेरे को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, डोजेस क्या है, डोजेस के ऊपर जाते हैं। तो आपको एक आधा चम्मच 2 लीटर पानी में मिक्स करके जो मादी अंडा नहीं दे रहे हैं उनको भी देना है। अगर हर कबूतर के भी दे सकते हैं, कुछ ऐसा नुकसान नहीं है कि कबूतर में कुछ बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा आपका कबूतर के ऊपर। और एक आपको जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन पिजन का जो एक फॉर्मूला आपके साथ मैंने जो शेयर किया हूँ, तो आपको ये डोजेस आपको कैसे देना है, तो उसका तरीका पहले जो भी मेडिसिन हम देते हैं उसका कैसे देना है और कितने क्वांटिटी में देना है डोजेस हमको पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हमारे डोजेस के ऊपर और टाइमिंग के ऊपर वो मेडिसिन काम करता है, कौन सा टाइमिंग में देना है कैसे देना है। तो भाई आपका जो मैंने आपके साथ जो मेडिसिन शेयर किया उसको कैसे देना है, तो पिजन एक फॉर्मूला जो एक फॉर्मूला आपके साथ ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का जो पाउडर आपको बताया था, तो आपको एक स्पून लेना है, नॉर्मल सा स्पून जो हम घर में यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि बड़ा वाला स्पून है, छोटा सा स्पून जो घर में हम नॉर्मली यूज करते हैं, वही स्पून में आधा चम्मच में 2 लीटर पानी में भाई मिक्स करके एक बोतल में रख दो। और जो भी आप ये जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का जो ये जो एक फॉर्मूला का पाउडर है आप हर मादी को भी दे सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर आप जो मादी को दे रहे हैं फिलहाल उसको डोजेस कैसा है, तो आपको क्या करना है 20 ml वो जो वाटर में आपको आधा चम्मच जो पाउडर है उसके साथ आप मिक्स कर लो, अच्छी तरीके से शेक कर लो, और एक मादी को 20 ml पानी 20 ml सिरिंज में उसको दिन में 2 टाइम उसको पिलाना है, खाने के बाद उसको पिलाओ, आपको बेहतरीन रिजल्ट भी मिलेगा। पर ये जो मेडिसिन है आप मादी को अगर सेपरेट लॉफ्ट है आपका मादी का अलग सेटअप है तो आप दे सकते हो, 2 लीटर पानी में उसको मिक्स करके आप रख लेना। वो मेडिसिन पानी में मिक्स करके ख़राब भी नहीं होता है, आपका 1-2 दिन में चल जाएगा, वरना जो पानी भी बचता है आप दूसरे मादी को भी दे सकते हैं। उसके अंदर विटामिन बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, आप खुद भी देख सकते हो, नेट पे वरना जाके सर्च करो उसमें क्या क्या कंपोजिशन है, पहले उसके बारे में खुद आप जानो फिर कोई बता दे तो उसके ऊपर जाओ। आपको जितना होता है खुद आपको मैं जितना छोटा छोटा से ऊपर आपको छोटे से बड़े बड़े नॉलेज आपको देता हूँ कि ये देने से आपको ये रिजल्ट मिलेगा, क्यों हम ये देते हैं, डोजेस क्या है, कब देना चाहिए, तो आपको ये सब ध्यान रखना चाहिए। फिर आप जो मेडिसिन देते हो आप अगर आपका कुछ नुस्खे हो आपका कुछ मेडिसिन देते हो तो दो, कुछ परेशानी नहीं, पर ये अभी फिलहाल बेहतरीन अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आपको पोल्ट्री फार्म में ये आराम से मिल जाएगा, अगर कुछ परेशानी है तो भाई मेरे को कॉल करना। एक सिंगल पिजन के लिए भाई 20 ml पानी में, मतलब कैसे बनाना है तो आधा चम्मच में 2 लीटर पानी में मिक्स कर लो और एक सिरिंज 20 ml पानी वही माझी को दिन में 2 बार दे दीजिए और नर को भी दे सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। ठीक है, आप आराम से ये नुस्खा ट्राई कीजिए और मेरे को कमेंट देना भाई, मत भूलिए कि रिजल्ट मिलता है कि आप देखो यूज करो फिर मेरे को कमेंट करना भाई, मत भूलिए। जिन भाई ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले भाई सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और जिन भाइयों को अगर और कुछ डाउट है कुछ बीमारी के बारे में मेरे को कमेंट करो, अगर मेरे तरफ से हो पाएगा कि हाँ भाई ये नुस्खे काम करके आपका कुछ बीमार कबूतर हो जो भी डाउट हो अगर क्लियर हो सकता है कुछ, तो मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। ठीक है भाई,
तो आपको फिर से बता रहा हूँ, पिजन एक फॉर्मूला आपको देना है। आपका जो भी मादी के ऊपर अंडे नहीं दे रहे, अंडे के ऊपर जितना भी परेशानी है ये दूर करेगा। विटामिन, कैल्शियम, कैल्शियम की कमी, अंडे छोटे देते हैं, बच्चे नहीं निकलते हैं, बच्चे छोटा होता है, बीमार रहते हैं, तो ये सब परेशानी आपका दूर होगा। तो भाई फिलहाल आप ये नुस्खा, ये जो पाउडर है, आप यूज़ करो, फिर मेरे को कमेंट करने मत भूलिए भाई। कमेंट जरूर करना, ये रिजल्ट आपको देता है कि नहीं मेरे को बाद में कमेंट करो, वरना मेरे को कॉल करो कि हाँ भाई आपने जो नुस्खा बताया था वो 100% काम कर रहा है। और पिछले का जो वीडियो था पिजन लकवा बीमारी, उसके ऊपर भाई मैंने 2-3 देसी नुस्खा ट्राई किया हूँ आप लोग के साथ, 3-4 देसी नुस्खा के साथ आपको वीडियो बनाऊंगा। पर भाई एक कबूतर में एक नुस्खा काम नहीं करता है। फिलहाल मैं खुद भी ट्राई किया हूँ, अगर आप लोग भी ट्राई किया, अगर हमारा कबूतर कुछ बीमार रहता है, कुछ कोल्ड वगैरह होते हैं, हम एक मेडिसिन देते हैं काम नहीं करते, वो भाई ने बोला कि या डॉक्टर ने बोला कि भाई ये मेडिसिन दो आपका रिजल्ट काम करेगा, तो 2-3 नुस्खे के ऊपर काम किया है। फिलहाल मैं 2-3 नुस्खे ट्राई किया हूँ, और मेरा भाई एक राकेश भाई है हमारे उड़ीसा के, उनके ऊपर भी मैंने ये नुस्खा ट्राई किया था कि भाई ये नुस्खा दो ठीक हो जाए, उनका कबूतर भी फिलहाल सुस्त हो गया। तो मैं आपके साथ जरूर वो नुस्खा भी शेयर करूंगा, आप देखो भाई आपको रिजल्ट मिलता है कि नहीं। ठीक है भाई, धन्यवाद। अभी तक जिस भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए मैं नया नेक्स्ट जो आएगा, कुछ नुस्खे हो, कुछ वीडियो हो, कुछ पिजन हो, आपके साथ जरूर शेयर कर पाऊंगा। ठीक है भाई, धन्यवाद, नमस्कार। और एक बात, जिन भाइयों ने पिजन के रिंग के लिए भाई मेरे को कॉल करते हैं, एड्रेस देते हैं, फिर बाद में कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं, भाई उन लोग के लिए भाई टाइम पास मत करो। किसका टाइम बर्बाद करने से आपको कुछ टाइम नहीं मिलता है। हम मेरे को जितना टाइम मिलता है आपके साथ कुछ नुस्खा हो जो भी हो आपके साथ शेयर करवाता हूँ। आप अगर सीरियसली पिजन रिंग आपको ज़रूरत है, ऑर्डर करना चाहते हो, तो मेरे नंबर से डायरेक्ट कॉल करो, मैसेज करने की ज़रूरत नहीं। बाद में मैं खुद आपको कॉल करूँगा कि हाँ भाई आपको कौन सा रिंग चाहिए, क्या चाहिए, बेकार में आप कॉल करके परेशानी करते हो। तो इन भाइयों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आपको कुछ काम रहते हैं तो भाई कॉल करो, बेकार में टाइम पास किसका करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, धन्यवाद, नमस्कार। नेक्स्ट पार्ट में अच्छा वीडियो आपके साथ लेकर आऊँगा।